खंडवा जिला पटवारी संघ ने निर्णय लिया है कि अब वे पीएम सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना हेतु किसानों की जानकारी सत्यापन करने का कार्य नहीं करेंगे। दरअसल गुरुवार के दिन खंडवा जिले के छईगांव माखन थाने के ग्राम सिर्रा में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के पंजीयन में देरी व बुजुर्गों से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के पटवारी सुनील पाटिल के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की थी। घटना के बाद 2 दर्जन से अधिक पटवारी थाने पहुंचे और मारपीट करने वाले ग्रामीणों की शिकायत की। पुलिस ने 7 ग्रामीणों पर केस दर्ज किया। पटवारी सुनील पाटिल के साथ हुई मारपीट के विरोध में लामबंद हुए मध्य प्रदेश पटवारी संघ और जिले के सभी मोर्चे के जिलाध्यक्ष ने कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर प्रमुख सचिव के नाम लिखित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। एसआई में किसान सम्मान निधि के फॉर्म भरने का सिरा, तो दुकानों के पास कोई मोबाइल में बैनर डालने के हिसाब से खड़ा था, वहाँ कुछ लोग आ गए और मेरे साथ माथापच्ची करने लगे। उनको समझाने के बाद भी कि साइट बंद थी 4-5 दिन से, इसलिए नहीं आ पाया, और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारठोक कर दी, मारना चालू कर दिया। यानी बहुत चाबी वगैरह निकाल दी गाड़ी में कि वो धमकी देने लग गए। मैं वो दुकान में अंदर निकल गया, दुकान था, दुकान में अंदर बैठ गया और मेरे साथियों को फ़ोन लगाया, साथी आए। जब मैं साथियों के सामने गया तो उसके बाद भी और माथा पच्ची हुई। फिर मेन उद्देश्य क्या था मारपीट करने का? यही सम्मान निधि फॉर्म के सम्मान में था। मारपीट की तो किसान थे या फिर के लोग थे? कोई हल नहीं दिख रहे मेरे को, तो ऐसे ही दिख रहा। वो तो भैया किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई क्या सर? उनका जब जैसा हम अभी तो साइट ही बंद थी, तो कार उनके फार्म भरने का कोई यही नहीं था। मारपीट करने वाले किसान थे? किसान तो आधे, एक किसान होगा उसमें, बाकी तो कोई किसान नहीं थे। पटवारी संघ के अध्यक्ष अश्विन सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की जानकारी सत्यापन करने का कार्य सहारा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि पिछले 4 दिनों से सर्वर डाउन चल रहा है, इसलिए कोई जानकारी अपडेट नहीं की जा रही थी। इस वजह से देरी होने पर यह स्थिति निर्मित हुई। चूंकि पोर्टल पर पीएम सम्मान निधि का डेटा अपडेट है, उसे ही मुख्यमंत्री सम्मान निधि के डेटा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ और जिले के सभी संयुक्त मोर्चे के जिलाध्यक्ष आदरणीय शिव चंद्रायण जी एवं सभी कर्मचारी संगठनों के जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम लोग आज कलेक्टर महोदय को प्रमुख सचिव महोदय जी के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें जो सारा पोर्टल है मध्य प्रदेश शासन का, उसके अंदर सीएम किसान सम्मान निधि का कार्य हो रहा है। उस कार्य के लिए कल हमारे पटवारी सुनील पाटिल जी सिर्रा में गए थे, वहाँ पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई और पुलिस अभिरक्षा के अंदर फिर उनको उस गांव से लेके आया गया, और आज वो उसके बाद जो बचाने गए हमारे पटवारी थे उनके साथ भी मारपीट की गई। और सारा पोर्टल के ऊपर पीएम किसान सम्मान निधि का संपूर्ण डेटा होने के पश्चात भी सीएम किसान सम्मान निधि में जो सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोगों की ये मांग है कि हमारे जो किसान भाई है, हम लोग भी एक समाज का हिस्सा है, हम भी किसान भाई उसी समाज से आते हैं जिसमें हमारे किसान भाई रहते हैं, हम लोग भी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। किसान भाइयों से मैं आपके मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग आप लोगों के हितैषी है, आप हम लोगों को अपना विरोधी नहीं समझे। शासन कोई भी कार्य करने के लिए, हम भी मानव है, 2-6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे तक कार्य करने के पश्चात हम लोग भी नहीं कर पाते, विगत 4 दिनों से पोर्टल बंद होने के कारण ये स्थिति जो कल सिर्रा में घटना घटित हुई है, स्थिति निर्मित हुई है। हम लोग शासन को इसी, ये दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग शासन से ये मांग करते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का डेटा है, उसी अनुसार सीएम किसान सम्मान निधि में हमारे किसान भाइयों को लाभ दे दिया जाए, इसके कारण ये सत्यापन कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन
कल से हम लोग पटवारी संघ ने हमने निर्णय लिया है, जिला पटवारी संघ ने, कि कल से हम कोई भी पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि का कार्य नहीं करेंगे।